गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्लास 10 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में यूनिट 5 डिजिटल प्रेजेंटेशन इंटरमीडिएट में सेशन नंबर 8 इंसर्टिंग स्पीकर नोट टॉपिक को स्टडी करने वाले हैं। ये हमारा इस यूनिट का 8वां सेशन है। इससे पहले हमने 7 सेशन कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने वो क्लासेज अटेंड नहीं की है तो प्ले लिस्ट में जाकर आप उन क्लासेज को भी अटेंड कर सकते हैं। इस क्लास में हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्पीकर नोट्स को इंसर्ट करना सीखेंगे और उनका क्या यूज़ होता है उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। इसके लिए आपको एक प्रेजेंटेशन क्रिएट कर लेनी है। मैंने यहाँ पर पहले से ही एक प्रेजेंटेशन क्रिएट करके रखी हुई है जिसमें मैं आपको ईसआई कमांड चलाकर बताऊंगा। स्पीकर नोट्स जो होते हैं वो एक गाइडेड टेक्स्ट होता है जो प्रेजेंटेशन के दौरान यूज किया जाता है। स्पीकर नोट शॉर्ट भी हो सकता है और लॉन्ग भी हो सकता है। डिसाइड होता है कि किस प्रकार का उसको स्पीकर नोट अपनी स्लाइड में रखना है। स्पीकर नोट को इंसर्ट करने के लिए आपको करना क्या होगा, जिस भी स्लाइड में आपको स्पीकर नोट को इंसर्ट करना है उस स्लाइड पर जाना है। जैसे मेरी यहाँ पर फर्स्ट स्लाइड है, या आप सेकेंड स्लाइड भी ले सकते हैं। जिस भी स्लाइड में आपको स्पीकर नोट्स को इंसर्ट करना है उस स्लाइड पर जाना है और जस्ट उस स्लाइड के नीचे की साइड में आपको यहाँ पर क्लिक टू ऐड नोट्स नाम का एक एरिया मिलेगा। इस एरिया में आपको जस्ट क्लिक कर देना है और यहाँ पर जो भी आपको स्पीकर नोट ऐड करना है वो यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ। इस तरह से मैंने यहाँ पर एक छोटा सा सेंटेंस टाइप कर दिया है, ये मेरा स्पीकर नोट है। तो इसी तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट स्लाइड्स पर डिफरेंट डिफरेंट स्पीकर नोट्स को ऐड कर सकते हैं। इस तरह से मैंने यहाँ पर सेकंड वाली स्लाइड पर भी एक छोटा सा स्पीकर नोट ऐड कर दिया है। दोनों स्लाइड्स पर अगर आप देखेंगे, फर्स्ट स्लाइड पर आपको ये वाला स्पीकर नोट मिलेगा और सेकेंड स्लाइड पर ये वाला मिलेगा। दोनों पर अलग अलग हम स्पीकर नोट ऐड कर सकते हैं। इसके लिए हम व्यू टैब पर भी जा सकते हैं। व्यू टैब पर जाने के बाद आपको यहाँ पर नोट पेज वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। प्रेजेंटेशन व्यू में नोट पेज पर क्लिक करना है। नोट पेज पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये जो स्लाइड का पेज होगा इस तरह से ओपन होगा, जहाँ पर आपकी स्लाइड भी होगी थंबनेल में और उसके नीचे आपका स्पीकर नोट भी शो हो जाएगा। जितनी भी स्लाइड होंगी सभी के साथ नीचे इसी तरह से आपको शो होगा। आप चाहे तो यहाँ पर इसको जूम करके इसमें अपना स्पीकर नोट को ऐड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। इस तरह से इसमें आप एडिट कर सकते हैं स्पीकर नोट में। सेकेंड वाली स्लाइड पर भी देखिए इस तरह का नोट आ रहा है, जो हमने लिखा था पहले वो आ रखा है। तो आप इसमें भी चेंजेस कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फ़ॉन्ट का साइज़ वगैरह जो भी आपको इंक्रीज करना है या जैसे भी आप चाहें यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और एडिट कर सकते हैं। वापस चले जाते हैं हम नॉर्मल व्यू में। तो इसके लिए व्यू पर टैप पर जाते हैं और यहाँ पर नॉर्मल स्लाइड पर क्लिक कर देते हैं तो हम अपने वापस इसी व्यू में चल जाएंगे जहाँ पर हमने जो नोट्स लिखे थे। ये देखिए यहाँ पर मैंने नोट्स एडिट किया था तो यहाँ पर आ रखा है। आप चाहें तो इस एरिया को थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं। यहाँ पर इसमें ऑप्शन मिल जाता है इस तरह से। आप इस तरह से यहाँ से इसको होल्ड करके छोटा बड़ा कर सकते हैं एरिए को, ताकि आप इसको आसानी से रीड कर सकें और उसमें आसानी से टेक्स्ट को टाइप कर सकें। स्पीकर नोट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जब आप अपनी प्रेजेंटेशन को व्यूवर्स के साथ शेयर करते हैं तो उस कंडीशन में आपके जो प्रेजेंटेशन है आपके मॉनिटर पर भी शो होती है, मतलब आपके लैपटॉप पर शो होती है, और एक प्रेजेंटेशन का सेकंड व्यू दूसरी स्क्रीन पर भी शो होता है। उस कंडीशन में जो आपका खुद का पर्सनल पीसी होता है, मतलब लैपटॉप होता है, उस पर आपको स्पीकर नोट को देखने का फैसिलिटी मिल जाती है, जबकि जो ऑडियंस होते हैं वो उस नोट्स को नहीं देख पाते हैं। इसके लिए करना क्या होता है, आपको इसके लिए स्लाइड शो टैब पर जाना होता है। स्लाइड शो टैब पर जाने के बाद आपको यहाँ पर रिबन पर सबसे इधर मॉनिटर्स की साइड में यहाँ पर आपको ये मिल जाता है और इसमें आप यूज प्रेजेंटर व्यू को ऑन कर सकते हैं। हालांकि ये वाला फीचर मेरे इस सिस्टम में अभी ऑन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कुछ चेंजेस कर दिए गए हैं माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू। वो हम यहाँ पर देख लेंगे क्या चेंजेस किए हैं। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि सपोर्ट फॉर पावर पॉइंट 2010 एंडेड ऑन अक्टूबर 13, 2020। तो मुझे ये अपग्रेड करना पड़ेगा, उसके बाद मैं इस फीचर को यहाँ चला पाऊँगा। इन्होंने सपोर्ट बंद कर दी है यहाँ से, सो इस फीचर को मैं यहाँ से ऑन नहीं कर पाऊँगा फिलहाल। इसको अगर हम ऑन कर देते हैं तो उससे क्या होगा, आपका ये फीचर ऑन हो जाएगा और ऑन होने के बाद जब भी आप अपनी प्रेजेंटेशन को व्यूवर्स के साथ में शेयर करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपकी जो पर्सनल कंप्यूटर है लाइक आपका लैपटॉप है, लैपटॉप पर आप जब भी प्रेजेंटेशन को शो करेंगे और उसके साथ में जो भी कंप्यूटर जुड़ा हुआ होगा, जैसे आपका दूसरा पर पीसी है या कोई स्क्रीन है, तो उस स्क्रीन पर आपको स्पीकर नोट शो नहीं होंगे, जबकि आपके जो खुद का पर्सनल कंप्यूटर है, लैपटॉप वगैरह है, उस पर ये स्पीकर नोट आपको शो होंगे, जिसे आप वहाँ से रीड कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं।